आपका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज 10वां दिन है। अभी तक कौन सा सक्षम अधिकारी आया जो आपकी समस्याओं को सुना और समाधान करने की बात कही? हम 23 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमने तहसील में एप्लीकेशन भी दे दी थी, तो भी उसके बाद में 3 दिन बाद एसडीएम साहब आए। उन्होंने हमसे कहा कि धरने से तुम उठ जाओ और हम तुम्हारा 8 दिन में 7 दिन में काम कर देंगे। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई हमें सूचना मिली अभी तक, ना ही यहाँ कोई आ गया है हमारे पास पूछने तक। को शासन को भी हमने आदेश दिया है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया अभी तक। हम ठंडी में यहाँ परेशान हो रहे हैं इतने, और 18 साल हो गए मेरे बेटे को मैं परेशान होते होते। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? इस समय भगवान भी हमारा परीक्षा ले रहा है, कब तक परीक्षा लेगा? मैं धरने से अभी उठने वाली नहीं हूँ जब तक मेरा पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी। और ये सब आ करके कोई देखे तो सही, कोई सुनता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे बैठे हैं हम लोग यहाँ ठंडी में। कि ये ना ही कोई नेता आता है, ना ही कोई मंत्री आते हैं, ना कोई कुछ आता है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। अगर हम धरने से अब हिलने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी यहीं पर समाधि हो जाए और मैं यहीं पर बैठी रहूँगी, अब नहीं उठूँगी, हिलूँगी नहीं।